हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फ्यूचर स्कोप। तो आज मेरी वीडियो है 7 टिप्स फॉर स्टडी, जो कि वीडियो के टाइटल को देखकर आपको पता ही चल गया होगा। तो जो टिप्स गाइस मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, प्लीज़ आप उसे फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको ज़रूर काम आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अगर मैं फ्यूचर में वीडियोज़ बनाती रहूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और इस टॉपिक में भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाऊँगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी फर्स्ट टिप है कि हैव अ सूटेबल प्लेस फॉर स्टडी। मीन्स आप एक ऐसी प्लेस पे पढ़ो जो आपके लिए सूटेबल हो, मीन्स वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आप कंसंट्रेटली पढ़ सकते हो। तो गाइस, मैं तो आपको ऐसे प्रेफर करूँगी कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने घर में या कहीं बाहर जाके पढ़ते हैं, तो आप एक ऐसी प्लेस फाइंड कीजिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वहाँ पे आप कंसंट्रेटली पढ़ सके। गाइस, जो मेरी सेकंड टिप है वो है ऑर्गेनाइज स्टडी प्लेस। मतलब कि आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, जिस भी प्लेस में आप स्टडी कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइज होनी ज़रूरी है। बिकॉज़ जब वो ऑर्गेनाइज होती है तो वो एक एनवायरनमेंट सा बना रहता है स्टडी का, तो जिससे कि क्या होता है कि आपका पढ़ने का और मन करता है। तो मेरी सेकेंड टिप तो यही है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेल्प करेगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। सो गाइस, मेरी जो फोर्थ टिप है वो है प्रॉपर लाइट। कि मतलब कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी आईज़ को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपकी आईज़ जल्दी से थकती नहीं है, और आप ज़्यादा देर तक और कंसंट्रेटली पढ़ सकते हैं। तो गाइस, मेरी फोर्थ टिप तो यही है कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइट होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मेरी फिफ्थ टिप है प्रॉपर स्लीप। अब जैसे कि सभी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि हमें अच्छे से बहुत पढ़ना चाहिए, पर गाइस ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सभी को पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ओवर करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। तो इसीलिए हमें स्टडी भी ओवर नहीं करनी चाहिए, हमें एक टाइम टेबल होना चाहिए और हमें प्रॉपर एडिक्वेट स्टडी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए जिससे कि हमारे माइंड को रेस्ट मिले। तो इसीलिए गाइस, मेरी जो फिफ्थ टिप है वो है प्रॉपर स्लीप। और अगर आपको मुझसे टाइम टेबल की टिप्स भी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, मेरी जो सिक्स टिप है वो है स्टडी इन सेशंस। मेरे कहने का मतलब है कि हमें लगातार काफ़ी देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, सेशंस में पढ़ना चाहिए, जैसे कि 45 मिनट्स के सेशन में, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट से बोर भी हो रहे हैं ना, तो बीच में हमें एक रेस्ट सा मिल जाता है, और उसके बाद अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज भी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप सेशंस में पढ़ेंगे तो ये बहुत एक अच्छी टिप रहेगी। सो गाइस, मेरे इस वीडियो की जो आखिरी टिप है वो हैव अ रिवॉर्ड जार। अब ये रिवॉर्ड जार होता क्या है? तो गाइस, रिवॉर्ड जार का मतलब होता है कि एक जार में आप बहुत सारी चिट्स डालते हैं, तो एक चिट में एक रिवॉर्ड लिखा होता है जो कि आपको अपने आप को देना होता है, कि अगर आपने कोई स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। इससे क्या होता है कि आप इंकरेज होते हो स्टडी सेशन को पूरा करने के लिए, कि रिवॉर्ड पाने के लिए। तो प्लीज़ आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए इस रिवॉर्ड जार को बनाने के लिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।